हेलो एवरीवन, सो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जय माँ व्लॉग एंड कुकिंग में। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी एंड यम्मी दिखने वाली स्वादिष्ट मिठाई। सो इस रेसिपी की वीडियो जानने के लिए आपको ये वीडियो को देखना पड़ेगा एंड तक। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सो चलिए हम लोग हमारे टेस्टी एंड जूसी मिठाई की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी होने वाली है। सो आप इसे स्किप मत करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए हम लोग हमारे मिठाई की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए मैंने एक वेसल ले लिया है, हमें इसका फ्लेम ऑन नहीं करना है। अब हम लोग देखिए इसमें 2 कप नारियल का बुरादा ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नारियल का बुरादा ऐड कर लिया है। अब उसी वेसल से हमें देखिए इसमें चीनी ऐड कर लेना है 1 कप, और यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 कप इसमें पानी ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे मैंने 1/2 कप इसमें वाटर ऐड कर लिया है। उसके बाद हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, अब हमने देखिए इसमें पानी मिला दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें चीनी क्यों मिलाया है। सो ध्यान दीजिए कि पानी मिलाने से जो हमारी चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाएगी, और जब हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगी तो जो हमारा नारियल का बुरादा का मिक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट एंड जूसी रेडी हो जाएगा। सो गाइस, अब यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और गाइस, ध्यान दीजिए कि मैंने जो गैस का फ्लेम है इसे अभी तक ऑन नहीं किया है, बिकॉज़ हम लोग स्टार्टिंग में चेक कर लेंगे कि जो वाटर हम लोगों ने ऐड किया है वो वाटर हमारा काफ़ी है कि नहीं। अगर आपको और वाटर लगे तो आप और वाटर इसमें ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर लिया है, और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। आप चाहे तो आपके पास घर में जो घी हो वो आप ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिए कि आपको इसमें फ्रेश घी ऐड करना है, जिससे जो हमारा मिठाई है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और इसका जो टेस्ट है और जो स्मेल है वो भी बहुत डिलीशियस आएगा। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घी है उसे मैंने इसमें देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सो गाइस, अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग इसे कब तक पकाएंगे। सो ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पे देखिए आपको एक स्पून ले लेना है, उसकी मदद से आप देखिए स्मॉल एक पार्टीशन ले लीजिए, एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए। उसके बाद आपको देखिए इस तरह से इसे शेप दे देना है सर्कल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेप है वो नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसे और थोड़ा पका लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने इसे आफ्टर 10 to 5 मिनट्स चेक कर लिया था, और जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब हम क्या कर लेंगे, जो हमारा हाफ मिक्सचर है उसे हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ हाफ मिक्सचर है उसमें देखिए मैं बीटरूट का जूस ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट बीटरूट का जूस इसमें ऐड करेंगे तो जो हमारा मिठाई है वो बहुत ही हेल्दी होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो बीटरूट का मिक्सचर है उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसमें। आप चाहे तो इसमें बिना कलर ऐड किए भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वाइट वाले जो हमारा नारियल का बुरादा का मिक्सचर है उससे ही, बट अगर आप इसमें कलर मिक्स करके प्रिपेयर करेंगे सो जो हमारा स्वीट डिश है वो बहुत ही ऑसम लगेगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा गर्म है, हम लोगों को इसे देखिए अब इसे शेप दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हाथों की हेल्प से हम लोग देखिए इसे सर्कल शेप दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको परफेक्ट मेजरमेंट का शेप देना है अपने जो मिक्सचर है स्वीट डिश है उसे, तो आप क्या कर लीजिए, कौन से भी एक मेजरमेंट का आप स्पून ले लीजिए, उसके बाद आप उस मेजरमेंट के हिसाब से जो मिक्सचर है उसे ले लीजिए। इस मेथड को आप यूज़ करेंगे तो आपका जो स्वीट डिश है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और उसको एक परफेक्ट शेप आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे तो मैं हाथ की हेल्प से इस तरह से देखिए सर्कल शेप प्रिपेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने इसे प्रिपेयर कर लिया है। इसी तरह से मैं सभी जो सर्कल हैं उसे प्रिपेयर कर लूँगी।
सो गाइस, अब हम लोग देखिए जो हमारा पिंक कलर का मिक्सचर है उसका भी सेम मेजरमेंट लेंगे। और यहाँ पे आप देखिए उसका भी इस तरह से देखिए हमें सेम सर्कल शेप क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने देखिए सर्कल शेप क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे लड्डू के शेप का क्रिएट कर लिया है। उसके बाद देखिए हमें जो हमारे दोनों लड्डू हैं उसे इस तरह से देखिए एक दूसरे में ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप इसे देखिए दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, उसके बाद एक रेडी भी कर सकते हैं। आपको जो स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइल का इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने देखिए इस टाइप से इसे प्रिपेयर किया है। जो हमारा वाइट कलर का मिक्सचर है उसे नीचे साइड पे रख दिया है, और जो हमारा पिंक कलर का मिक्सचर है उसे देखिए इस तरह से ऊपर साइड पर रख के उन दोनों का एक स्वीट डिश रेडी कर लिया है। सो इसी तरह से मैं सभी जो हमारे स्वीट डिश है उन्हें रेडी कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी। सो गाइस, आप इसे जो हमारा ये मिठाई है आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बट आप ध्यान रखिए आपको इसे एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रखना है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने मेरे सारे मिठाई बना के रेडी कर लिए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में सर्व भी कर लिया है। सो गाइस, हमारे जो मिठाई है कितने जूसी लग रहे हैं, उसी तरह से अंदर से भी बहुत ही जूसी हैं। अभी मैं देखिए इन्हें तोड़ के दिखाऊंगी आपको, और आप इन्हें किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये स्वीट डिश की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए मेरे चैनल पे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए। सो गाइस, चलिए अब मैं आपको देखिए इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने जूसी हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, बट आपको इन्हें एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रखना है, सो दैट इसकी जूसीनेस जाए ना, नहीं तो ये कड़क हो जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जस्ट तोड़ के दिखा देती हूँ आपको, अभी भी कितने जूसी हुए हैं हमारा जो मिठाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने में कितने स्वादिष्ट लगेंगे ये। सो गाइस, मिठाई को देख के ही मुँह में पानी आ गया। सो चलिए अब हम इन्हें डेकोरेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैं इसे बादाम काजू से डेकोरेट कर रही हूँ, बट अगर आपके पास चांदी का परक है या फिर पिस्ता है या फिर और भी कोई ड्राई फ्रूट्स है तो आप उनसे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा गाइस। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।